तो गाइस होरेन जा रही है शादी में अपनी नानी के साथ, मामू भी जा रहे हैं। तो होरेन रेडी हो चुकी है और देखो, जो चीज पसंद है अभी ठीक है, अभी उसने देखा नहीं है, हेवन निकाल देगी वो। वाह, अब सैंडल पहन लो अपनी। ये गुरु आए, आए आए करो। वाह सो होरू ने ये ब्यूटीफुल। वाले फ्रॉक फर्स्ट टाइम पहनी है, होरू फ्रॉक नहीं पहनती, आप सबको पता है। तो ये मैंने जबरदस्ती इसको पहना दी है, अब देखते हैं थोड़ी देर में क्या रिएक्शन होता है इसका। पहन तो नहीं रही थी, ये देखो हटना शुरू। नो रहने नहीं, गल ये गंदी बात। हट गया। वो कभी भी इतनी सारी क्ले, इतने सारे हेयरबैंड रखे हुए मेरे पास, इतने सारे उसके लाने का मुझे बहुत शौक रहता है, लेकिन बच्चियां बस लगाती नहीं है। हल्का सा है वो, लग भी नहीं रहा ऐसे कुछ लगाई है, लेकिन फिर भी नहीं बहुत सी लगाना। शादी हो रही है हाँ, ना, अब ईशान की भी शादी आने वाली है। बहुत सारी शादी आने वाली है, बहुत सारा एंजॉय करने वाली है, क्या बोलते हैं बहुत उसको, सारी सालक शॉपिंग भी करने वाले हैं। सो अभी तक इंशाल्लाह। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर ले। तो गैस मेरा मन नहीं है शादी में जाने का, इसलिए मम्मी ने बोला कि हो रहा है इनको साथ भेज दो। तो मैंने भी बोला कि चल हाँ यार, इसकी अच्छी अच्छी ड्रेसेस रखी हुई हैं, कभी पहनने का मौका ही नहीं मिलता है, तो बस अभी इसको मैं भी भेज देती हूँ। तो बस यहाँ पे अभी सब लोग रेडी हो चुके हैं। होरेन की मैंने ये शॉर्ट वीडियो बनाई थी, कैसी लग रही है होरेन बताना, फ्रॉक पहन कर, जो कि उसने बहुत टाइम के बाद पहनी, वैसे उसको पसंद नहीं है फ्रॉक पहनना। खैर मैंने इसको पहना दी है तो अभी बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी, तो मैंने सोचा चलो उसका थोड़ा सा वीडियो शूट करते हैं। सो यहाँ पर सब लोग रेडी होकर निकलने ही वाले हैं, तो बस मैंने बोला कि होरेन को ले जाओ, अगर मैं दिखूँगी तो फिर वो जाएगी नहीं। और यहाँ पर भाभी वगैरह सब लोग रेडी होकर के निकल रहे हैं शादी हॉल में जाने के लिए, और बॉय भाई बाहर वेट कर रहे हैं। तो बस अभी ये लोग निकलते हैं और फिर हम लोग देखते हैं कि क्या करते हैं। तो गए, सब लोग चले गए हैं शादी में, मैं नहीं गई क्योंकि मेरा मन नहीं था। और शादी किसकी थी, किसकी शादी में गए हैं मम्मी वगैरह सब लोग, भाभी। तो हमारी पुलिस लाइन में जो पहले हम जहाँ रहते थे ना, वहाँ क्वार्टरों में रहते थे इक्को भैया, तो उनकी शादी थी, तो मम्मी वगैरह सब लोग वहीं गए हुए हैं। और भी हमारी लाइन से जो पहले वहाँ पर रहते थे वो सब भी लोग आएंगे। मन तो था कि सब लोग सबसे मिलना जुलना हो जाएगा, वैसे कभी मिल नहीं पाते हैं, शादी वगैरह में ही मिलना जुलना हो पाता है, लेकिन मन ही नहीं था। फिर फिर मैंने सोचा यार नहीं जा रही मैं, मुझे नहीं जाना है, तो इसलिए। और बस अभी सब लोग चले गए हैं, तो ये बोल रहे हैं मुझसे कि चलो तुम है भी घुमा कर लेकर आता हूँ, तो अभी ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ है, तो चलो चलते हैं। तो मन इनके साथ भी नहीं है जाने का, घर में रहने का मन है, पता नहीं क्यों आज मुझे ऐसा अच्छा सा नहीं लग रहा है, आज मेरा दिन ऐसे ही जा रहा है। तो बोला लगे कि नहीं चलो चलो लेकर चलता हूँ, थोड़ा सा ठीक लगेगा। तो इनके लिए मैं मना नहीं कर सकती हूँ, इनका दिल रखने के लिए मुझे जाना ही पड़ता है। तो इसलिए जो है ना, अभी मैं रेडी हो जाती हूँ, तो फिर हम लोग निकलते हैं, थोड़ा सा घूम कर आते हैं। तो गाइज हम लोग निकल आए मार्केट के लिए, क्योंकि हस्बैंड नहीं माने, तो उन्होंने बोला कि चलो घुमा कर लेकर आता हूँ। तो बस अभी मार्केट निकल आए तो थोड़ी थोड़ी शॉप जो है बंद हो रही थी, क्योंकि टाइम 9:30-10 के करीबन का हो रहा था। तो मैं मना कर रही थी इनसे कि नहीं अब तो दुकानें बंद हो गई होंगी, अब रहने दो, तो लेकिन वो बोले कि चलो देख कर तो आते हैं बंद हुई है नहीं। तो फिर भी हम लोग जो है निकल आए थे, और यहाँ पर बहुत अच्छी लाइटिंग हो रखी थी, बहुत अच्छा लग रहा था। नीला कितना प्यारा लग रहा है यार, हर जगह नीली सफेद लाइट्स लगी हुई है। तो गाइस डिनर तो हम लोगों ने किया नहीं था, फिर इन्होंने बोला कि चलो अभी डोसा खा लेते हैं, तुम्हारा मन ठीक हो जाएगा। तो बस यहाँ पर अभी हम लोग आ गए डोसा खाने के लिए, और यहाँ का डोसा बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। और ये शॉप जो है, शॉप बोलेंगे इसको, स्टॉल बोलेंगे,
शॉप तो नहीं है लेकिन स्टॉल ही है, और यहाँ पर जो है ये रात 10:30 बजे तक ओपन रहती है, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा चलो यही खा लेते हैं। तो गाइस अभी हम आ गए हैं घर लौट के, वेट कर रहे हैं हुरैन के आने का। मैं सोच रही हूँ उसको फ़ोन लगाऊं, फिर मन कर रहा है नहीं लगाऊं, अगर मैं लगाऊंगी तो फिर वो रोने लग जाएगी, तो इसलिए अभी मैं नहीं लगाती हूँ उसको फ़ोन वगैरह, मतलब जैकी भाई के फ़ोन पे ही लगाती। तो अभी थोड़ी देर में आ ही जाएंगे, थोड़ा सा वेट करते हैं उसके आने का, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम गई है मेरे बिना, तो देखते हैं कैसा क्या रहता है, सब लोग क्या बताते हैं। उदम मचा रही थी, रो रही थी या खेल रही थी, जो भी होगा वो सब कुछ पता चल ही जाएगा उन लोग के आने के बाद। तो अभी तो फ़िलहाल हमने लगाई है हॉरर मूवी, तो अभी हम लोग वही देख रहे हैं। तो चलिए जब हुरैन आती है फिर आप लोगों को बताते हैं हम, ठीक है। हुरैन की बहुत सारी शिकायतें मिली कल के, बहुत ज़्यादा रो रही थी वो, और फिर उसको जो है बहलाने के लिए मम्मी उसको मेला लेकर के गई, तब वहाँ जाकर वो शांत हुई है। और मतलब पहली बार गई थी ना ऐसे अकेले मेरे बिना, तो उसको लग रहा होगा थोड़ा बहुत, तो इसलिए तो बस फिर मेला जब गई ना उसके बाद तो फिर वो खेलने लग गई थी आराम से, फुल मस्ती की है उसने, लेकिन वहाँ शादी में तो रो रही थी। सो खैर बच्चों का तो ऐसा ही है। और कल जो है सब लोग सारे मेहमान चले गए, और आज जो है मम्मी को फीवर भी आ गया, तो मम्मी लेटी हुई हैं। उनको ना ऊपर वाला फीवर नहीं आता, अंदर अंदर वाला फीवर रहता है, उनको हाथ पर दर्द करते हैं, अंदर अंदर मुंह कड़वा होता है, तो अभी वो जो है सो रही हैं, आराम कर रही हैं, और अभी तक उन्होंने नाश्ता वाश्ता कुछ भी नहीं किया है। तो बस मैं कह रही हूँ मम्मी उठ जाओ, नाश्ता कर लो, दवा खा लो, फिर उसके बाद सो जाना। ये इस टाइम में ना ऐसी थकान हो जाती है ना बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा काम का लोड हो गया था, क्योंकि वैसे भी हमेशा उनके पैर में दर्द रहता है, तो इस चक्कर में फिर भी भागम भाग लगी रहती है वो, उनसे चाहे जितना मना करो फिर भी, और मेहमान जब आ जाए तो और भी ज़्यादा, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो उसके बाद अब थकान महसूस हो रही है उनको, और अब फीवर आ चुका है तो वो लेते हैं। तो गाइस मैं आ गई बाहर साइड में, क्योंकि ना हुरैन बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, फिर उसको संभाला है, और यहाँ देखो इरफान बैठा है आराम से ऐसे बैठ के मेरी बातें सुन रही है। लो जैसे ही मैंने बोला ना कि मशीन की आवाज़ नहीं आ रही होगी, कि फिर भी आना शुरू हो गई, तो उधर साइड वाले पोर्शन में काम चल रहा है अभी, इधर साइड का फुल हो चुका है फ्लोर का, सिर्फ स्टेयर वगैरह रह गए हैं तो वो भी हो जाएगा। और हाँ मैं अपने इस वाले घर के बारे में ही क्यों बात करती हूँ हमेशा, मैं अपने नए घर जो मेरा बन रहा था उस वाले घर के बारे में क्यों बात नहीं करती हूँ, तो भाई उस मकान को बनाने के लिए मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए, सच नहीं है ये, क्योंकि हमारी एक बहन है वो कमेंट कर रही है, ये इसलिए अपडेट नहीं देती है अपने नए घर की क्योंकि इसके पास पैसे नहीं बचे हैं मकान बनाने के लिए। तो बहन ऐसा नहीं है, हर एक चीज़ वह भी रुका हुआ है, कुछ और हमें काम करवाना है उसमें नहीं, क्योंकि नीचे का जो फ्लोर है ना हमारा वो मिट्टी उसमें मतलब जा रही है नीचे, धस रही है, तो उस चक्कर में हमें पहले फ्लोर ठीक करवाना पड़ेगा, उसके बाद टाइल्स ग्रेनाइट जो भी हमको लगवाना है वो लगेगी, तो इसीलिए जो है वो काम रुका हुआ है। और उसमें हमें दीमक की दवाइयाँ भी डलवानी है, तो वो चीज़ें भी होनी है, तो इस चक्कर में वो काम रुका हुआ है, ना कि पैसा ख़त्म हो गया है इसलिए रुका हुआ है, और अल्लाह ना करे कभी ख़त्म हो, अल्लाह ताला इसी तरह से बरकतें बनाए रखे घर में हमेशा, आमीन सुम आमीन। तो लोग तो हमेशा यही सोचते हैं कि ना कैसे करके इनको ऐसे कमेंट करो कि ये डिमोटिवेट हो, और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, खैर लोगों को जो सोचना है जिसका जैसा नज़रिया है वो सोचते रहे, और उसमें हम उनकी सोच को नहीं बदल सकते, उनकी सोच को बिल्कुल भी नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि उनको जो भी बोलना होता है वो बोलते हैं, लेकिन यार थोड़ा सोच समझ के बोला करो ताकि किसी का दिल ना धोके, और आप जो बोलते हो ना फिर सुनने की भी हिम्मत रखा करो, ठीक है।
तो फिर सुनने की हिम्मत होती नहीं है। फिर हमारी बहनी आप में ऐसी लात मारेगी ना। हाँ है ना बैली, अभी उसकी कंजी आंखें हैं। पानी भरती है ना? हाँ तो इसमें पानी दे देते हैं अंकल को। तो पानी मैंने दे दिया है। और हाँ मैं बात कर रही थी बैली की आँखों के बारे में, तो बैली की अभी कंजी आँखें दिख रही हैं, रात के टाइम में उसकी रेड हो जाती हैं और कभी कभी उसकी ब्लैक भी दिखती है। मतलब तीन तरह की आँखें हैं हमारी बैली की, इसलिए बहुत ज़्यादा क्यूट लगती है वो। और अभी तो बहुत मस्ती करती है, बहुत खेलती है हमारे साथ में। जब नई नई आई थी ना तो थोड़ा सा लगता है, देखो घर चेंज हुआ था उसका इसलिए, लेकिन अभी बहुत मस्त हमारे साथ खेलती है, वो हरन के साथ खेलती है, अच्छा लगता है। तो पेट पालने का शौक मुझे बहुत ज़्यादा है कि हम मछली पाले हैं, सफ़ेद चूहे भी पाले हैं, सब पाला है हमने, सब रखा है, मछलियाँ भी रखी हैं, अच्छा लगता है, घर में ऐसे होना चाहिए। और गाइस अब लग रही है बहुत ज़ोरों की भूख, तो देख लेते हैं कि भाई क्या बना है। तो अभी नाश्ता नहीं किया है हमने, डायरेक्ट हम खाना ही खाएंगे। देखते हैं क्या बना है। ऐसे यहाँ पर दाल, पीली वाली दाल बनी है फ्राई करके मस्त घी के तड़के के साथ। और ये क्या है इसमें, इसमें पराठा रखा हुआ है, एक रोटियाँ होंगी इसमें, और इसमें है मिर्च। ये क्या है, दलिया, पापा के लिए नाश्ते में बना होगा दलिया। तो ये है, खाना पीना बन चुका है, अब खाना खा लेते हैं। हुरन को देखेंगे, उसको भी खिलाएंगे, नहलाएंगे, हम नहाएंगे, तो ऐसा है। और दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, ये वाले पत्थर हैं बाहर जीने के लिए। तो दिखा दिया मैंने आप लोगों को कि कितना कुछ काम अभी तक हुआ है। और यहाँ देखो क्या रखा हुआ है, बादाम और किशमिश, ये नहीं खा कर गए हैं कोई, भूल जाते हैं डेली डेली, मम्मी को खुद अपने हाथों से देना पड़ता है तब जाके पापा वगैरह खाते हैं, वरना ये लोग भूल जाते हैं क्योंकि इन लोग को सुबह ही जाना हो जाता है ना, इसलिए ये सारा अभी वही गला हुआ रखा है। उसको ढाँक देती हूँ, मिट्टी इतनी ज़्यादा हो रही है ना पूरे घर में, बहुत अच्छे से साफ सफाई करनी पड़ेगी हमें। अभी तो चल रहा है जो चलना, तो इसकी लाइट भी बंद कर देती हूँ, इस ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। बाय बाय।